Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am Jyoti Main from Mira Global Kids. Let's start our today's session with prayer. So join your hands, close your eyes, speak with me. Okay kids, let's do one activity. Okay, look at the following community helpers, match them with correct tools they used. यहाँ पे community helpers के pictures draw किए हुए हैं और other side उसके tools. तो हमें community helpers जो tools use करते हैं उनके साथ क्या करना है, matching. आपको matching करना पसंद है ना, इसलिए okay. So फर्स्ट कम्युनिटी हेल्पर्स कौन है हमारे यहाँ पे, यस डॉक्टर, राइट. सो यहाँ पे जो टूल्स दिए हैं उसमें से डॉक्टर कौन सा टूल यूज करते हैं, दिस वन. गन यूज करते हैं डॉक्टर, नो, दिस वन, यस. इसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप, राइट. तो डॉक्टर को हम किसके साथ मैच करेंगे, स्टेथोस्कोप के साथ, राइट. नाउ सेकेंड इज, विच कम्युनिटी हेल्पर इज दिस, यस टीचर, राइट. तो टीचर क्या यूज करते हैं इसमें से, मफिन, नो गन, नो डस्टर, यस. तो टीचर को हम किसके साथ मैच करेंगे, डस्टर के साथ, राइट. क्योंकि टीचर क्या यूज करते हैं, डस्टर. नाउ ये क्या है, ये कौन से कम्युनिटी हेल्पर से हमारे, यस पुलिसमैन. कौन है ये, पुलिसमैन. तो पुलिसमैन क्या यूज करते हैं, गन या मफिन, यस गन, राइट. तो गन के साथ मैच करेंगे. नाउ लास्ट वन इज, ये कौन है पता है, बेकर्समैन. कौन है ये, बेकरमैन. बेकरमैन क्या करते हैं, यस हमारे लिए यमी यमी केक्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं, यमी यमी केक, मफिन्स, है ना. तो यहाँ पे मफिन का पिक्चर दिख रहा है आपको, यस. तो उसके साथ क्या करेंगे, मैच करेंगे. सो हमने क्या किया है एक्टिविटी में, कम्युनिटी हेल्पर्स को उनके करेक्ट टूल के साथ मैच किया. सो किड्स अवर एक्टिविटी इज डन. वी लर्न इन अवर प्रीवियस वीडियो इन जीके, यस वी लर्न कम्युनिटी हेल्पर्स, राइट. जो हमारी रूटीन लाइफ में हमें हेल्प करते हैं उसके बारे में सीखा था, राइट. हमने ये सारी राइम सिंग की थी और इसमें उसके करेक्ट ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया था, सर्कलिंग. ये हमारा प्रीवियस वीडियो क्लास वर्क था, राइट. नाउ टुडेज क्लास वर्क इज, टेक आउट योर जीके वर्कशीट पेज नंबर 27 एंड 28. This both are is your today's classwork. First of all, look this page, page number 27. Right here, CW, and mention the date. So now,
below are some community helpers given across the people who do not work in the school. यानी कि यहाँ पे अलग अलग पीपल्स दिए हुए हैं कम्युनिटी हेल्पर्स, उसमें से किस में हमें क्रॉस करना है, जो कम्युनिटी हेल्पर्स स्कूल में वर्क नहीं करते हैं उसमें हमें क्या करना है, क्रॉस करना है. ओके, सो फर्स्ट इज, एनीवन गेसेस? यस, टीचर. हु इज दिस टीचर? तो टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं कि घर पे पढ़ाते हैं? यस, स्कूल में पढ़ाते हैं, राइट? टीचर कहाँ पढ़ाते हैं? स्कूल में, राइट? तो टीचर स्कूल में वर्क करते हैं? यस, तो उसमें हम क्रॉस करेंगे नो. नाउ सेकेंड इज डॉक्टर. विच कम्युनिटी इज दिस? कम्युनिटी हेल्पर से कौन से है हमारे? डॉक्टर. तो डॉक्टर कहाँ वर्क करते हैं? स्कूल में वर्क करते हैं? नो, वो कहाँ वर्क करते हैं? अपने हॉस्पिटल में. और डॉक्टर की हेल्प हमें कब चाहिए होती है? जब हम सिक होते हैं, तब हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास, राइट? तो स्कूल में तो हम क्यों जाते हैं? स्टडी करने के लिए. तो डॉक्टर वहाँ होते हैं स्कूल में? नो, तो उस पर हमें क्या करना है? क्रॉस करना है. सो हाउ टू क्रॉस? स्लैंटिंग लाइन, अनदर स्लैंटिंग लाइन. तो क्या बन जाएगा ये? क्रॉस, क्योंकि डॉक्टर स्कूल में वर्क नहीं करते हैं. नाउ सेकेंड, थर्ड इज प्रिंसिपल. ये कौन है? प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल क्या करते हैं बताए आपको? प्रिंसिपल होते हैं ना, वो स्कूल में वर्क करते हैं और स्कूल में सारा मैनेजमेंट करते हैं. क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं. स्कूल का जो भी वर्क होता है, वो टीचर को क्या कौन सा सब्जेक्ट देना होता है, वो सब कौन हैंडल करता है? प्रिंसिपल हैंडल करते. कौन हैंडल करते हैं? प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल है वो स्कूल में वर्क करते हैं. ओके, क्योंकि हमें प्रिंसिपल में क्रॉस नहीं करना है, बिकॉज वो कहाँ वर्क करते हैं? स्कूल में, इसलिए उसमें हमें कुछ नहीं करना है. नाउ फोर्थ इज, ये कौन है पता है आपको? मेड है. कौन है? मेड, यानी कि देखो आपके घर भी मेड आते होंगे पता है, जब आप झाड़ू पोछा करना हो, कुछ वो दूसरा काम करवाना हो, तो आप घर पे मेड आते, आपके घर पे मेड आते हैं काम करने के लिए. यस, तो वैसे ही स्कूल में भी काम करना होता है, झाड़ू पोछा लगाना होता है, राइट? स्कूल को भी क्लीन रखनी चाहिए ना, तो वो क्लीन कौन रखता है? मेड. कौन क्लीन रखता है? मेड. तो मेड स्कूल में वर्क करते हैं, इसलिए हम उसमें क्रॉस नहीं करेंगे. नाउ ये कौन है? ये तो मैम ने समझाया है आपको, बताओ ये कौन है? यस, पोस्टमैन. कौन है ये? पोस्टमैन. तो पोस्टमैन क्या करते हैं? यस, लेटर पास करते हैं. क्या करते हैं? लेटर पास करते हैं. पहले जब मोबाइल नहीं थे, तब क्या होता था? सबको किसी को मैसेज पास करना होता है, तो क्या करते थे? एक लेटर लिखते थे, फिर पोस्ट ऑफिस जाके पोस्ट ऑफिस का जो होता है ना, वहाँ पे डाल के आते थे, और फिर पोस्ट में सारे लेटर कलेक्ट करके जहाँ जो लेटर पहुँचाना होता है वहाँ वो पोस्ट में देने जाते हैं. तो हमारे लेटर पास कौन करता था उस टाइम पे? पोस्टमैन करता था. कौन? पोस्टमैन. अभी भी करते हैं पोस्टमैन वर्क, बट पहले के जितना नहीं. यानी कि पोस्टमैन होता है वो स्कूल में वर्क करते हैं? नो, उसकी जरूरत स्कूल में नहीं है, राइट? तो उसमें हमें क्या कर देना है? क्रॉस कर देना है. ओके, बिकॉज पोस्टमैन स्कूल में वर्क नहीं करते हैं. नाउ दिस वन इज पोलिसमैन. दिस वन इज पोलिसमैन. तो पोलिसमैन कहाँ वर्क करते हैं? यस, पोलिस स्टेशन, राइट? स्कूल में वर्क करते हैं? नो, पोलिसमैन क्या करते हैं? यस, बैड पीपल को कैच करते हैं, है ना? बैड पीपल होते हैं, उसको पकड़ के कहाँ लेके जाते हैं? जेल में लेके जाते हैं, राइट? उसको जेल में डाल देते हैं, किसी को परेशान करते हैं, तो उनको लेके जाते हैं पुलिसमैन. तो उसको पुलिसमैन कहाँ होते हैं? पुलिस स्टेशन में होते हैं. स्कूल में होते हैं? नो, तो हम पुलिसमैन में भी क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे. ओके, तो हमने ये पेज पे क्या किया? जो कम्युनिटी हेल्पर्स यहाँ पे थे उसमें से हमने किस में क्रॉस किया? जो स्कूल में वर्क
नहीं करते थे, यानी कि डॉक्टर, पोस्टमैन और पुलिसमैन स्कूल में वर्क नहीं करते हैं, राइट। नाउ ओपन पेज नंबर 28, राइट हियर सी डब्ल्यू एंड मेंशन द डेट। From the pictures given below, circle the things used in the classroom. अभी यहाँ पे अलग अलग things draw की हुई है, उसमें से हमें किस में circle करना है? Circle the things used in classroom. यहाँ पे जो things है उसमें से जो classroom में things use होती है उसमें हमें क्या करना है? Circle. Okay, so which picture is this? यस ब्लैकबोर्ड। तो ब्लैकबोर्ड कहाँ होता है? यस क्लासरूम में होता है, स्कूल में होता है, राइट। इसलिए हम ब्लैकबोर्ड में सर्कल करेंगे, यस या नो? यस। सो सर्कल द ब्लैकबोर्ड। आप सोच रहे होंगे कि हमारे घर पे भी है ब्लैकबोर्ड, राइट, पर वो आपके लिए ऐसे ही रिवीजन के लिए, आपको मजा आए लिखने में इसलिए आपको आपके पेरेंट्स लेके देते, राइट। स्कूल में तो ये बिग वाला ब्लैक बोर्ड होता है, मैम आपको पढ़ाते हैं ना ब्लैक बोर्ड में, तो वैसा ब्लैक बोर्ड होता है, वो क्लासरूम में होता है, इसलिए हमने ये ब्लैक बोर्ड में सर्कल किया, राइट। नाउ व्हिच पिक्चर इज दिस? यस दिस इज अ पिक्चर ऑफ वैन। तो वैन क्लासरूम में होती है? नो, वैन क्लासरूम में नहीं होती है, वो तो हमें खाली स्कूल ड्रॉप करने आती है, जैसे स्कूल बस होती है ना स्कूल ड्रॉप करने आती है, वैसे ही वैन में भी कोई कोई आते हैं, स्कूल आते हैं, राइट। तो उसमें हमें सर्कल नहीं करना क्योंकि वो क्लासरूम थिंग्स नहीं है, ओके। नाउ दिस वन इज चौक, दिस वन इज चौक। तो चौक कहाँ होता है? मैम आपको चौक से लिखते हैं बोर्ड पे, जब आप वीडियो देखते हो मैम का तब मैम चौक से लिखते हैं ना बोर्ड पे, तो चौक कहाँ होता है? क्लासरूम में। कहाँ होता है? क्लासरूम में। इसलिए हमें चौक में भी क्या करना है? सर्कल। क्या करना है? सर्कल, राइट। नाउ ये क्या है पता है आपको? कुंभ। क्या है ये? कुंभ। तो कुंभ कहाँ होता है? क्लासरूम में होता है? नहीं, वो कहाँ होता है? हमारे घर पे, यानी कि बेडरूम में आप हेडकॉम करते हो तो वहाँ पे रखते हो गया आप, है ना, आप आपके घर के एरिया में जहाँ हेडकॉम करते हो वहाँ पे आप कॉम्ब रखते हो, राइट। कॉम्ब क्लासरूम में होता है? नहीं होता है, वो तो कहाँ होता है? घर पे, राइट। तो उसमें सर्कल करेंगे? नो। नाउ ये क्या है? डेस्क एंड चेयर। ये क्या है? डेस्क एंड चेयर। तो ये क्लासरूम में होता है? यस या नो? यस, बिकॉज हम जब स्कूल आते हैं, आप लोग जब स्कूल आओगे ना तब आप यहाँ पे ऐसी चेयर होगी, फिर ऐसा टेबल होगा, उसके ऊपर आपको बैठ के मैम जो पढ़ाए वो समझना है और लिखना है, राइट। तो ये सारी, ये जो टेबल एंड चेयर दिया है यानी कि डेस्क एंड चेयर है, वो कहाँ मिलता है हमें देखने में? क्लासरूम में। कहाँ मिलता है? क्लासरूम में, राइट। तो हम इसमें सर्कल करेंगे, यस या नो? यस। तो सर्कल द डेस्क एंड चेयर। नाउ व्हिच पिक्चर इज दिस? यस डस्टर। ये क्या है? डस्टर। तो डस्टर कहाँ होता है? क्लासरूम में होता है? यस, बिकॉज मैम को जब आप जैसे बुक में वर्क ऐसे लिखते हो तो कुछ गलत हो जाए तो आप इरेजर से इरेज करते हो ना, वैसे ही मैम जब चौक से बोर्ड में लिखते हैं ना तब कुछ गलत हो जाता है, तो मैम किससे इरेज करते हैं? डस्टर से इरेज करते हैं। किससे इरेज करते हैं? डस्टर से। इसलिए डस्टर कहाँ होता है? क्लासरूम में। कहाँ होता है? क्लासरूम में। तो हम डस्टर में सर्कल करेंगे, ओके। तो ये पेज पे हमने क्या किया? फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन बिलो सर्कल द थिंग्स यूज्ड इन द क्लासरूम। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स दिए थे, जो थिंग्स दी थी, उसमें से हमने किस में सर्कल किया? जो थिंग्स क्लासरूम में होती है, यानी कि ब्लैक बोर्ड, यस चॉक, डेस्क एंड चेयर एंड डस्टर। ये फोर थिंग्स है, वो कहाँ होती है? क्लासरूम में। सो आवर क्लास वर्क इज डन। ओके किड्स, नाउ ओपन पेज नंबर 29। दिस इज योर होमवर्क। सो राइट हियर एच डब्ल्यू एंड मेंशन द
did. You carry many things with you when you go to school. Speak aloud and color the things which you carry to स्कूल. यानी कि यहाँ पे थिंग्स ड्रॉ की हुई है, उसमें से आप कौन से थिंग्स है जो आप अपने जब स्कूल जाते हो तब अपने साथ लेके जाते हो, उस पर हमें क्या करना है, कलर करना है और थिंग्स लाउडली बोलना है. ओके, सो विच पिक्चर इज दिस, व्हेन, विच पिक्चर इज दिस, व्हेन. जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि हम स्कूल, कोई कोई स्टूडेंट्स होते हैं वो जैसे बस में हम स्कूल जाते हैं, वैसे ही हम वैन में भी स्कूल जा सकते हैं. इसलिए जो वैन है उसमें हम बैठ के स्कूल भी जा सकते हैं, उसको हम उठा के नहीं जा सकते, राइट. तो इसमें हमें कलर नहीं करना है. नाउ विच पिक्चर इज दिस, यस पिक्चर ऑफ बॉय एंड गर्ल, है ना. यहाँ पे एक बॉय का पिक्चर दिया है और एक गर्ल का पिक्चर दिया है. वो दोनों के हैंड में देखो क्या है, यमी यमी आइसक्रीम. क्या है, यमी यमी आइसक्रीम. तो आप आइसक्रीम लेके जाओगे स्कूल? नो, आप आइसक्रीम लेके थोड़ी जाओगे स्कूल, इसे जाना चाहिए. नो, वो तो बैड मैनर्स होता है, राइट. नाउ विच पिक्चर इज दिस, यस लंच बॉक्स. ये क्या है, लंच बॉक्स. आप स्कूल आओगे तो आप क्या करोगे, आपको नाश्ता, जब ब्रेक पड़ेगी तब आपको नाश्ता करना होगा ना, ब्रेकफास्ट करना होगा, तब आप क्या ले, तब आपके पास क्या होना चाहिए, लंच बॉक्स. तो आप स्कूल आओगे तो लंच बॉक्स लेके आओगे ना, यस. तो आपको लंच बॉक्स में क्या करना होगा, कलरिंग. तो आप स्कूल आते हो तब लंच बॉक्स लेके आते हो, इसलिए, राइट. नाउ दिस वन इज वॉटर बॉटल, दिस वन इज वॉटर बॉटल. तो हम स्कूल जाते हैं तो वॉटर बॉटल लेके जाते हैं, यस या नो? यस, स्कूल जाते हैं तब वॉटर बॉटल लेके जाते हैं, राइट. नाउ दिस वन इज स्कूल बैग. तो स्कूल जाना है तो हम स्कूल बैग तो लेके जाएंगे ही, है ना. स्कूल बैग लेंगे, फिर उसमें क्या डालेंगे, लंच बॉक्स डालेंगे, फिर वाटर बॉटल डालेंगे, या तो वाटर बॉटल को नेक में हैंग कर लेंगे, है ना. तो इसमें से हम किस किस में सर कलरिंग करेंगे, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल एंड स्कूल बैग. ये तीन पिक्चर में आपको क्या करना है, कलरिंग करना है, बिकॉज ये तीन, ये जो थ्री थिंग्स है वो आप स्कूल में कैरी करके जाते हो, इसलिए, राइट. वैन और ये जो गर्ल्स बॉयज का जो पिक्चर दिया है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ओनली लंच बॉक्स, वाटर बॉटल और बैग में क्या करना है, कलरिंग करना है. सो आवर टुडेज होमवर्क इज डन. Okay, kids, now I tell you what is your today's classwork and homework. GK classwork is page number 27 and 28 in worksheet, and your homework is page number 29 in worksheet. So this is your classwork and this is your homework. Okay, kids.